तो यार आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इफ डेथ नोट इन वन पंच मैन यूनिवर्स। तो यार अगर आप लोग का अच्छा खासा सपोर्ट रहा इस एनिमे सीरीज पर तो यार मैं ट्राई करूंगा कि इसके मैं जल्द से जल्द अच्छे अच्छे पार्ट लेके आऊँ। तो यार मैं इसके लिए कोई मांगा पेजेस ड्रॉ भी नहीं करवा रहा हूँ ना ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मांगा पेजेस के हिसाब से दिखाऊंगा ना तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मांगा के पेजेस ड्रॉ करवाओ उसके बाद उनकी पूरी स्टोरी वोरी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं वैसे करूंगा तो। इसलिए मैं खुद कुछ अलग तरीके से एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि हमने पहले वन पंच मैन मल्टीवर्स सागा के साथ किया था वैसे ही। वैसे यार मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है वन पंच मैन मल्टीवर्स सागा से वो नाइट ड्रैगन बॉल सुपर वर्सेस किंग ऑफ डार्कनेस से। वो एक अलग सीरीज चल रही है जो कि कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि मार्वल स्टूडियो की एक एक मूवी आती है ना वैसे ही वो अलग अलग आती रहेंगी। ये एक पूरी अलग सीरीज होने वाली है। तो चलो यार बिना किसी देर के ये मांगा शुरू करते हैं। ओ यार आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ये बात बता दूं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये मांगा यार बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होती है, लाइक आप वन पंच मैन का हमने जो एपिसोड नंबर 1 देखा था ना वही से ये कहानी वापस से स्टार्ट होती है। तो चलिए यार बिना किसी देर के शुरू करते हैं व्हाट इफ डेथ नोट इन वन पंच मैन यूनिवर्स एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छे से जा रहा होता है। कुछ लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग आवारा गलती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा ब्रास होता है जिसको देख के सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, भागो यहाँ से। ओ भाई ये ब्रास इतना बड़ा था कि भाई बहुत दूर एक बिल्डिंग से भी यहाँ पर सब लोग देख रहे होते बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जगह जहाँ पर ये ब्रास हुआ होता है, वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं होता है, मिट्टी मिट्टी होती है। और फिर हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी वजह से ये ब्रास हुआ है। और फिर वो जंप मार के आसमान में जाता है, वहाँ पर अपनी एनर्जी को बहुत सारी एनर्जी बॉल्स में बदल के सिटी की तरफ मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लग जाते हैं। इस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो बोलते हैं अगर हम यहीं पर रहे तो हम मारे जाएंगे, फटाफट निकलो यहाँ से सभी। और फिर हमें हीरो एसोसिएशन की ऑफिस दिखाई जाती है, यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई है जो कि उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। और फिर और कोई बोलता है हाँ हमने पहले ही कुछ हीरोज को भेज दिया उसको रोकने के लिए, वो हीरोज उस मॉन्स्टर को आराम से रोक लेंगे। और फिर हमें वही दोनों हीरोज दिखाए जाते हैं लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हमें सिटी ए का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर जो भी हो रहा है उसके बारे में टीवी पर बता रहा होता है। वो कहता है पता नहीं कहाँ से लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है और हीरो एसोसिएशन ने जो हीरोज भेजे थे वो भी हार चुके हैं। वो मॉन्स्टर अभी सिटी ए की तरफ बढ़ रहा है उसको तबाह करने के लिए। इतना बोलते हुए वो न्यूज अपने आप बंद हो जाती है। ये न्यूज कोई तो तकड़ा आदमी देख रहा होता है अपने घर पर बैठे हुए। और फिर वो शख्स कहता है वैसे तो मुझे शॉपिंग पर जाना था लेकिन लगता है अब इसे रोकने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो शख्स अपने सुपर हीरो सूट को पहन के बाहर आता है और उसका नाम होता है वन पंच मैन यानी साइतामा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सिटी ए जो की पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और वहाँ पर एक बच्ची होती है जो कि रो रही होती है और कहती है मम्मी डैडी आप कहाँ पर हो। लेकिन तभी उसके पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को अपने हाथ से कुचलने ही वाला होता है लेकिन तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। वो मॉन्स्टर देखता है कि उस टकरे आदमी ने उस बच्ची को बचा लिया। वो मॉन्स्टर ये देखता है बोलता है इस टकरे आदमी की जो स्पीड काफी ज्यादा है इसने मेरे हाथ से उस बच्ची को बचा लिया। और फिर वैक्सीन मैन पूछता है तुम कौन हो जिसने उस बच्ची को बचाया, अब तुम कौन हो, क्या तुम भी कोई हीरो हो। और फिर साइतामा कहता है हाँ एक लड़का जो कि हीरो बना अपनी मजे के लिए और मेरा नाम है साइतामा। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है हीरो बने वो भी मजे के लिए, क्या बेकार बैक स्टोरी है, मेरा नाम है वैक्सीन मैन और मुझे तुम इंसानों ने ही बनाया है अपने पॉल्यूशन से। तुम इंसान इतनी गंदगी मचाते हो उसी गंदगी का रिजल्ट हूँ मैं और इसलिए अब मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा। ये कहते कहते वो मॉन्स्टर अपनी फुल पावर पे आ जाता है और फिर हमें उसका फाइनल फॉर्म दिखाया जाता है। यहाँ पर साइतामा ने भी अपना पंच लेरी कर लिया होता है उस मॉन्स्टर पर मारने के लिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर को बहुत जोरदार दर्द होता है, वो चिल्लाता है। साइतामा देखते हुए बोलता है मैंने तो अभी तक उसको पंच मारा ही नहीं, इसको क्या हो रहा है। वो फिर दिखाया जाता है कि वैक्सीन मैन को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और चारों तरफ उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए होते हैं। साइतामा देख के नाराज हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है पहले तो सब मेरे एक पंच से कोई भी मॉन्स्टर मर जाता था लेकिन अब तो मुझे पंच मारने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, ये वैक्सीन मैन तो अपने आप ही मर गया।
फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो भाग रहे होते हैं कहते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, आप वो यहाँ से बना तुम मारे जाओगे। फिर हमें साइतामा दिखाया जाता है 3 साल पहले वाला, जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ होता है। वो मॉन्स्टर ये देख के कहता है, ए तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? फिर साइतामा कहता है, मैं बहुत परेशान, मेरे पास कोई जॉब इस समय में कोई काम ढूंढ रहा, देखिए मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे मार सकते। फिर वो ग्रैप मास्टर कहता है, मुझे तुम्हें मारने में कोई मजा नहीं आएगा क्योंकि तुम बहुत हद तक मेरी तरह ही हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और वैसे भी इस समय मैं तुम्हें मारने के मूड में नहीं हूँ, मेरे को किसी बच्चे को मारना है, उसने मेरी पैंट चुरा लिया। फिर दिखाया जाता है कि साइतामा अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वही बच्चा दिखाई देता है जिसके बारे में वो ग्रैप मास्टर बात कर रहा था। वो बच्चा बोलता है, अंकल आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? साइतामा उस बच्चे से पूछता भी है, ए बच्चे तुमने वो ग्रैप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ है, वो चारों तरफ तुम्हें तफील रहा है। और फिर वो बच्चा बोलता है, अच्छा तो तुम उस ग्रैप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के बारे में बात कर लो, मैंने अपने मार्कर से उसके चेस्ट पर ड्रॉइंग बनाई थी। साइतामा ये बात सुन के हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, इस बच्चे को बता भी नहीं इसने क्या किया, वो ग्रैप मॉन्स्टर से छोड़ेगा उसे मार देगा, क्या मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए? लेकिन देखा जाए तो सारी गलती तो इस बच्चे की है, तो मैं क्या करूं? नहीं लगता वैसे भी मैं उस ग्रैप मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा, इसलिए बच्चे अच्छा होगा तुम अपने घर पर चले जाओ, अगर तुम आज ग्रैप मॉन्स्टर को मिल गए वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बोल के साइतामा वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो ग्रैप मॉन्स्टर आ जाता है उस बच्चे के सामने। फिर वो ग्रैप मॉन्स्टर कहता है, किया तुम मुझे मिल गए, अब तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम पछताओगे बच्चे। इतना बोलते ग्रैप मॉन्स्टर अपने हाथ से उस बच्चे को कुचलने ही वाला होता है कि तभी वहां पर साइतामा आके उस बच्चे को बचा लेता है। साइतामा अपने मन में कहता है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस बच्चे को क्यों बचा रहा हूं? और फिर साइतामा उस बच्चे से कहता है, ए बच्चे ये तुम्हारे पीछे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो, मैं इसको जितनी देर तक रोक सकता उतनी देर रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो ग्रैप मॉन्स्टर साइतामा को कहता है, एक बार मैंने तुम्हें जीवन दान क्या दे दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। फिर साइतामा कहता है, वैसे तुम्हें एक छोटे से बच्चे को मार के क्या ही मिलेगा, वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर? ये बस के ग्रैप मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है, वो अपने हाथ से साइतामा को एक जोरदार मारता है जिसकी वजह से साइतामा दूर जाके गिरता है। और फिर वो ग्रैप मॉन्स्टर उस बच्चे के सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है, तुमने जो किया अब मारो उसके लिए। वो इतना बोलते ही ग्रैप मॉन्स्टर अपने हाथ से उस बच्चे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी साइतामा ग्रैप मॉन्स्टर को पीछे से एक पत्थर मारता है। फिर साइतामा उस ग्रैप मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हें एक बच्चे को मारने नहीं दे सकता, क्या तुम्हें पता था मैं बच्चा था तब मेरा एक सपना था कि मैं एक हीरो बन और तुम जैसे सभी मॉन्स्टरों को दुनिया से मिटा दूं सिर्फ अपने एक बन से। मैं इतना पावरफुल बनूं कि तुम्हारे जैसे हर एक मॉन्स्टर को अपने एक ही पंच से खत्म कर दूं। ये बात सुनकर ग्रैप मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर काफी सारे पंच मारता है। वो यहाँ पे ग्रैप मॉन्स्टर कहता है, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम मामूली इंसान हो, तुम मेरे को नहीं हरा सकते साइतामा। इतना बोलते ही ग्रैप मॉन्स्टर अपने ग्रैप वाले हार्ट से साइतामा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे डॉच करके उस हार्ट के ऊपर आ जाता है, वो जंप करके अपनी टाइट उस ग्रैप मॉन्स्टर की आंख में डाल देता है। फिर साइतामा उस टाइट को अपने फुल फोर्स से खींचता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता है। वो दूसरी तरफ बच्चा ये सब कुछ होते हुए देखता है, वो साइतामा को देख के ये कहता है कि ये तो एक हीरो है, इन्होंने मेरी जान बचाई, अगर ये नहीं होते तो ये मॉन्स्टर मुझे मार ही चुका होता। फिर वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि मारा जा चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका होता है और फिर साइतामा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बच्चा वहीं पर होता है। वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि कैसे साइतामा ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी बिना किसी पावर के। काश मैं भी ऐसा कर सकता, मुझे भी एक हीरो बनना है, मैं इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। वो बच्चा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो आसमान की तरफ देखता, वहां से उसको एक बुक गिरती हुई दिखाई देती है। वो बुक जमीन पर आके गिरती है और बच्चा ये सोचता है कि ये बुक कहाँ से गिरी। वो बच्चा उस बुक के पास जाता है, उस बुक को अपने हाथ में उठाता है और उस बुक के ऊपर लिखा होता है डेड नोट।